तो मैं बना रही हूँ बेला के लिए पोहा, जिसमें मैंने मटर और पीनट को इस तरीके से देसी घी में लिटिल बिट, बहुत ही कम देसी घी में इस तरह से फ्राई किया है। और ये रहा पोहा भीगा हुआ, अब मैं इसमें डाल दूँगी। हमें इसमें नमक नहीं डालना है, आप चाहें तो बस थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लिटिल बिट हल्दी, हल्दी डॉग्स के लिए अच्छी होती है, आप थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालिएगा। ये रही थोड़ी सी हल्दी, बहुत कम, क्योंकि हल्दी डाइजेस्ट सिस्टम के लिए इनके लिए अच्छी होती है, डॉग्स के लिए, ये मैं नहीं कह रही, ये वेट कह रहे हैं। और आप थोड़ा सा मामूली सा नाम के लिए आप हल्का सा साल्ट दे सकते हैं, वैसे साल्ट मना होता है लेकिन आयोडीन की कमी ना रहे डॉग्स के अंदर भी, वो भी ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं नहीं कह रही, वेट बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लिटिल बिट साल्ट भी डाल सकते हैं नाम के लिए, बस बहुत कम। इसको हम कर देंगे अच्छे से फ्राई। तो ये बन गया है बेला के लिए एक टेस्टी सा पोहा। अब देखते हैं बेला खाएगी या नहीं खाएगी, बेला इंतजार कर रही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। बेला हमेशा, मैं कुछ भी बनाती हूँ किचन में होती हूँ, तो बेला अपने खाने का वेट करती है। तो ये रही हमारी बेला, बिल्कुल मेरे पास बैठी हुई है। तो बेला के लिए बन रहा है पोहा। हेलो, पोहा खाना है आपको टेस्टी टेस्टी? हाँ जी खाना है, बिल्कुल खाना है, इसीलिए बैठी हुई है मैडम, इसको खुशबू आ गई है। तो पोहा हमारा बनकर तैयार हो चुका है, देखते हैं बच्चा खाएगा नहीं खाएगा। तो बेला के लिए पोहा बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए इसे हम इसके बाउल में कर देते हैं। तो टेस्टी टेस्टी पोहा बन चुका है बेला का। अब पोहा आप दे सकते हैं क्योंकि चावल का होता है और चावल बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत ही कम मात्रा में मैंने इसमें वो डाला है, हल्का सा घी है, हल्का सा नमक है और हल्की सी ही हल्दी है। तो कभी कभार आप एज अ ट्रीट बच्चे को दे सकते हैं, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा खाने में और उसे मज़ा भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं बेला पोहा खाती है या नहीं खाती है। तो गाइज ये बेला का खाना बन चुका है और अब देखते हैं हमारी बेला पोहा खाती या नहीं खाती। तो बेला वेट कर रही है बेसब्री से अपने खाने का। तो ये बेला का खाना और ये बेला, तो बेला को पोहा पसंद आ गया है फाइनली और वो खा रही है बहुत अच्छे से। तो चलिए चेंज हो जाना चाहिए खाना, आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, टेस्टी लगेगा उसको। तो बेला खाना खा रही है, अपना पोहा खा रही है। तो बेला को हम खाना खाने देते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और ऐसी ही ट्रिक एंड ट्रिप्स मैं आपको बताती रहूंगी डॉग के फूड के बारे में। और चलिए मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बेला को खाना खाने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते।